नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल की सबसे रंग बिरंगी और सबसे खूबसूरत जगह, करनाल के बच्चों के लिए सबसे खास जगह, बीनस्टॉक वर्ड प्री स्कूल के सेक्टर 32 ब्रांच से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बहुत सारे बच्चे आज यहां पर इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे संडे के दिन भी पहुंचे हुए हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एंट्री में ही ये बिछा हुआ रेड कार्पेट दिखाना चाहूंगी, जिसके ऊपर अगर बच्चे चलते हैं तो कितनी शानो शौकत से वो अंदर जाते हैं, महसूस करते हैं वो फीलिंग जो बच्चों को अपने कॉलेज टाइम में जाकर आती थी। क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा द डी डे के बारे में। द डी डे है डिप्लोमा डे, यानी कि आज छोटे छोटे बच्चों की कॉन्वोकेशन होने वाली है और आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे कि कॉन्वोकेशन तो आपने अपने कॉलेज टाइम में सुनी थी। कॉन्वोकेशन तो आपने तब सुनी थी जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब आप बीकॉम बीए बीएससी कर लेते हैं, उसके बाद जाकर आपकी कॉन्वोकेशन होती है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे आज अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे हुए हैं, ग्रुप फोटोज भी क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत कुछ, ऑल द बेस्ट उनके फ्यूचर के लिए। यहां पर उन्हें विशेस भी दी जा रही है स्कूल की तरफ से और कहा जा रहा है कि आप लोग अपने आने वाले भविष्य के लिए बहुत कुछ करें। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं आज कॉन्वोकेशन डे, और कॉन्वोकेशन डे में क्या कुछ खास रहता है, इन छोटे छोटे बच्चे कैसे अपने हाथों में डिप्लोमा पकड़ते हैं, कैसे डिग्री लेते हैं, क्या इनका अटायर रहता है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी बीनस्टॉक प्री वर्ड स्कूल में। तो बच्चों और पेरेंट्स की जो जो एक्टिविटीज चल रही है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैं सस्पेंस थोड़ा सा क्रिएट करना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले हम आगे जाएं, नीचे जाएं कि कॉन्वोकेशन कैसे होती है, हमारे साथ रिलेशनशिप मैनेजर है मैडम पशमिंदर, उनसे हम बात करेंगे। मैम, संडे का दिन है, फुल ऑफ एनर्जी के साथ आप लोग भी आए हुए हैं, पेरेंट्स के चेहरे पर बहुत ज्यादा स्माइल है, ऐसा क्या खास है आज? Yeah, first of all, good morning and warm wishes and heartiest congratulations to all the parents and their kids for showing their so much love, support and endless efforts towards throughout the academic session. As you know that today at the end of the day, we are just winding up with the session. So once again, I would like to give a very warm thank you to the parents. And you can see that the school has been all decked up in the theme of the D-Day, that is the Diploma Day ceremony. So whatever efforts my kids have made, it's either a small or either a huge, they have to be appreciated, you know, throughout the efforts what they have made. So let's go inside and look what's so important for this day. Exactly. Thank you. बिल्कुल नीचे चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे तो सबर नहीं हो रहा, तो आपको भी मैं नीचे लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कॉन्वोकेशन डे में आखिर होता क्या है। और ये देखिए, बच्चों को मेन स्टेज पर भेजने से पहले, ताकि वो डिप्लोमा हाथ में पकड़ सके, उन्हें ये पूरी डी डे वाली, डिप्लोमा डे वाली कॉन्वोकेशन वाला गाउन पहनाया जा रहा है, सर पर बहुत ही सुनहरी कैप है। और अब अंदर चलेंगे और अब आपको मेन स्टेज की तस्वीरें दिखाते हैं कि कितनी ज्यादा खुशी होती है जब बच्चा सारा साल मेहनत करता है और उसके बाद आज के दिन यानी कि एनुअल डे जब उसका एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद उसे ये डिप्लोमा हाथ में पकड़ाया जाता है। उसके पेरेंट्स भी आप देख सकते हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिनके चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी है। हेलो, से हेलो, व्हाट्स योर नेम? ओके, मुझे तो खैर सुनाई नहीं दे रहा। ओह माय गॉड, गुस्सा हो गई हो। अच्छा, आज खुशी है, आज क्या मिला है आपको, एक बार अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओगे हमें? प्लीज ओपन इट, शो मी, शो मी। वाओ, दिस इज ऑसम। ये देखिए बच्चों के हाथ में उनका बहुत ही प्यारा सा रिपोर्ट कार्ड है। मैम, कितनी खुशी होती है जब बच्चे इस तरीके से मेन स्टेज पर आते हैं, आप लोग भी साथ में खड़े होकर फोटो क्लिक करवाते? रियली वेरी इम्प्रेसिव, एंड द एफर्ट्स दे आर टेकिंग, मेकिंग देम स्टैंड ऑन द स्टेज मल्टीपल टाइम्स सो दैट दे कैन हैव अ ह्यूज न्यू एक्सपीरियंस एंड द स्टेज फियर शुड बी ओवरकम। रियली वेरी इम्प्रेसिव इन देयर। अच्छा, जब स्कूल नहीं आता था और अब जब स्कूल आने लगा है, कितना चेंज है? ड्रामेटिक चेंज, ड्रामेटिक चेंज। आई वाज सेइंग दिस टू नैंसी मैम ओनली, दैट द चेंजेस आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम व्हेन शी एंटर्ड द स्कूल एंड नाउ, शी इज सो कॉन्फिडेंट एंड शी इज रेडी टू फेस द माइक एंड एवरीथिंग। दिस इज ऑल बिकॉज दे हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दैट। व्हाट्स योर नेम मैम एंड वेयर आर यू फ्रॉम? I am. My name is Mehak. I am from Karnal only, and she is my daughter Miraya. कौन सी क्लास में? जूनियर के जी। जूनियर के जी में है, और देखिए कितना ज्यादा बेहतरीन लगता है। यहाँ पर आप देखिए मेन स्टेज की तस्वीरें, जहाँ पर पेरेंट्स साथ में ये डिग्री लेते हुए बच्चों के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, और पेरेंट्स के चेहरे पर भी बहुत ज्यादा खुशी दिखाई देती है, क्योंकि बच्चों के अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस जनरेट होता है।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल की है, करनाल के बीन स्टॉक वार्ड प्री स्कूल की है, जहां पर बच्चे आज अपना रिपोर्ट कार्ड लेते हुए इस डी डे में पहुंचे हैं, डिप्लोमा डे में पहुंचे हैं, और टीचर्स आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से उन्हें स्टेज पर बुलाते हुए। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आज उनका पूरे साल का रिजल्ट मिला है, रिपोर्ट कार्ड मिला है। व्हाट्स योर नेम? ओके, कहाँ से हैं आप? कौन सी क्लास से हैं? सीनियर के जी। सीनियर के जी। कितना अच्छा लगा मेन स्टेज पर जाकर? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उनके पेरेंट्स भी हैं, मुझे ऐसा लगता है बच्चों से ज्यादा तो आज पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं संडे के डे को। मैम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रिचा। कैसा लगता है जब बच्चे के साथ मेन स्टेज पर चढ़ने का मौका मिलता है? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। डी डे मतलब फुल सीनियर के जी। कभी आपको मिली है ये डिग्री? ऑफकोर्स। चलिए, लेकिन आपको तो बहुत बड़े होने के बाद मिली होगी। बहुत बड़े होने के। सर, आपको किस एज में जाके ये डे देखने को मौका मिला था? ये मेरे को इंजीनियरिंग कम्प्लीट करने के बाद देखने को मिला था, एंड पोस्ट एमबीए आल्सो। कभी जिंदगी में सोचा था कि बचपन में भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, पहले कभी नहीं सोचा। पहले कभी नहीं सोचा था। ये एक बड़ा यूनिक और अच्छा कंसेप्ट। यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश है। मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी, बहुत सारे अलग अलग चीजें, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज चल रही है, क्योंकि बीन स्टॉक जाना जाता है अपनी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। और ऊपर चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी उन एक्टिविटीज को किस तरीके से एंजॉय करते हैं। और ये देखिए, बच्चे जब अपने हाथ से कुछ बनाना सीखते हैं तो वो और भी ज़्यादा उसे एंजॉय करते हैं। यहाँ पर पोटरी का सेक्शन है, और इस तरह देखिए पोटरी किस तरीके से की जाती है, मिट्टी से किस तरीके से काम किया जाता है, वो सर भी सिखा रहे हैं। और बेबी है जो कर भी रही है। बेबी, हेलो, व्हाट्स योर नेम? मैम। कितना अच्छा लगता है ये करना? मिट्टी खाई है कभी बचपन में? नहीं, लेकिन आज अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मजा कर रही है बेबी। और भी उनके साथ उनके पेरेंट्स भी हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं बच्चों के लिए, अलग अलग आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे और बहुत ही यूनिक तरीके के टॉयज हैं। इस तरफ भी बहुत सारे बच्चों की एक्टिविटीज हैं, स्टेशनरी का सामान है जो पेरेंट्स यहाँ पर लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैम, व्हाट्स योर नेम? मोनिका। तो बच्चों के लिए क्या देख रहे हैं आज आप स्पेशल स्टॉल में? मतलब काफी यूजफुल चीजें हैं, स्टडी लैंप है, बहुत स्मॉल है, बहुत एक्टिव है, काफी अच्छी लाइट है, टॉयज वगैरह सारी चीजें। यस मैम, कल लिया था हमने, स्टडी लैंप लिया था और पेन स्टैंड लिया। बीन स्टॉक के बारे में अगर आपको एक वर्ड में कुछ बताना हो तो क्या बताएंगे? इट्स अ ग्रेट स्कूल। ये मैम का कहना है, और मैम हर्ष है हमारे साथ, एकेडमिक मैनेजर है। मैम, किस तरीके से बच्चों की स्टडी पर भी ध्यान रखा जाता है और अलग अलग एक्टिविटीज में भी उन्हें इन्वॉल्व करवाया जाता है? Yes, good morning everyone. I, Harsh, academic manager of Beanstalk School, would like to congratulate all the parents presenting here. And yes, this is really the proud moment for all of us that our younger ones are entering into the new chapter of their life. This is really very great feeling for all of us. And yes, this session was full of the learning session with different activities, physical development and academic. So I would like to thank all the parents who always support us and being a pillar of strength for us. So, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है, एक बार दूसरे सेक्शन में भी चलते हैं और आपको वो भी एक्टिविटीज में दिखाना चाहूंगी। वाओ, बच्चों को खुद भी पेंटिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और बच्चों को कलर से भी बहुत ज्यादा प्यार होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बच्चे हैं जो अपने हाथ पर अलग अलग तरीके के टैटूज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? गुरनाज। क्या बनवा रहे हो आप हाथ पे? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई? You like butterfly? Yes. आप खुद भी butterfly जैसे हो? Okay, butterfly बनवा रहे हैं बच्चे। और उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे अटायर में, बहुत ही प्यारे गाउन में। और इस तरफ ये देखिए स्पेशल बच्चा आया दिखाने के लिए, क्या बनवाया आपने हाथ पे? क्रिसमस ट्री। क्रिसमस बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल? Yes. किस तरह इंजॉय करते हैं उस फेस्टिवल को? स्कूल में इंजॉय करवाते हैं? Yes. बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। व्हाट्स योर नेम? नक्श। ओके, और भी बहुत सारे देखिए क्यूट क्यूट मुझे गर्ल्स दिखाई दे रही हैं, बहुत ही स्मॉलू से बच्चे हैं जो हाथ पे टैटू बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हो आप? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, डू लाइक यूनिकॉर्न? यस। कितना? हाउ मच? 900। परसेंटेज में बता रही हूँ कितना ज्यादा पसंद है। ओ माय गॉड। और ये देखिए बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैम, क्या बनवा रहा है बच्चा? आई थिंक दे आर
मेकिंग अ यूनिकॉर्न. ओके, ये आप ही की बच्ची हैं? हाँ जी, बोथ द किड्स आर माइन, एंजल एंड चेरिल. ओके, कहाँ से आप? मैं 13 एक्सटेंशन करनाल से. बीनस्टॉक के बारे में क्या कहना चाहेंगी, कितना आपको अच्छा ये स्कूल लगता है और क्या कुछ आपने डिफरेंसेस देखे बच्चे में जब वो बच्चा स्कूल आने लगा? सी, बीनस्टॉक इज द टॉप मोस्ट गुड स्कूल इन द करनाल एंड दे आर डूइंग ग्रेट जॉब. Kids are doing lots of activities in Beanstalk. Every day there is a new activity and there are extracurricular activities also. So they are doing a great job. Sir, आपने कभी बचपन में इस तरह की activities कभी की थी? कभी tattoo बनवाने का शौक रखा? नहीं, हमने नहीं रखा. लेकिन बच्चों को तो बहुत. बच्चों को बहुत है. बच्चों को बहुत है. कभी आपने बचपन में इस तरीके की activity की थी school में? नहीं, हमने नहीं की. School में आके बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं. बहुत ज़्यादा करते हैं. बहुत ज़्यादा enjoy भी करते हैं. बहुत ज़्यादा enjoy करते हैं. घर में भी कहते होंगे पापा ये भी करो वो भी करो. ठीक बात है. ऐसे तो पेरेंट्स भी देखिए कितना ज़्यादा खुश होते हैं. हाँ जी बिल्कुल, इसका भी लेंगे. What's your name? Angel. आपने भी यूनिकॉर्न बनवाया? आपको देख के आपकी छोटी सिस्टर ने भी बनवाया? ऐसे ही है. घर में भी पूरा कॉम्पिटिशन चलता है? बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो साथ में. What's your name? Angel. Angel. Angel है और दिख भी एंजल जैसी ही रही है. और Beanstalk है, Beanstalk World Preschool जो कि सेक्टर 32 में है और मॉडल टाउन में भी है. और ऐसे में और भी बहुत सारे क्यूट बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं. What's your name? Arvind sir. Okay, कौन सी क्लास में आप? Senior KG. Senior KG. अब तक आपने क्या enjoy किया यहाँ पर? किसी activity में participate किया? कुछ किया? Dance में किया था. भंगड़ा डांस किया था ना एनुअल डे पे. मजा आया. ओके, बच्चे से ज्यादा तो पेरेंट्स ही खुश होके बता रहे कि क्या कुछ किया. मैम, किन किन एक्टिविटीज में बच्ची पार्टिसिपेट करती हैं? स्कूल में ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है और टीचर्स भी बहुत इनिशिएटिव करते हैं कि बच्चा हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे. और ओवरऑल स्कूल बहुत अच्छा हर चीज़ में, मतलब बच्चे की सिर्फ स्टडीज नहीं, एक्स्ट्रा हर एक्टिविटी में पूरा फोकस. बिल्कुल, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर भी पूरा फोकस रहता है. डू योर बेस्ट काउंटर है जिधर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं. और ये देखिए. सो हियर शी हैज गॉट बिकॉज यू आर वर्थ इट. इट्स अ टैगलाइन फॉर नॉट एबल टू डू सो. मैडम मेरे को हिंदी में बोलिए जो हम पूछे हैं. ओके, तो जैसे आई एम लविंग इट मैकडॉनल्ड्स की होती है, वैसे बिकॉज यू आर वर्थ इट किसकी होती है? वाओ, ये एक ब्रांड नेम की टैगलाइन है. यस यस यस, मैम इज वेरी क्लोज टू इट. मैम, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन फॉर सर, यू नो एक्चुअली. मैम, ये किस तरह की एक्टिविटीज हैं और पेरेंट्स को किस तरीके से इन्वॉल्व? सो इट्स यू नो डू योर बेस्ट कॉर्नर, डू DYB कॉर्नर. सो हियर वी हैव स्लिप्स, सो चाइल्ड इज गोइंग टू पिक वन स्लिप एंड देन दे आर विद द हेल्प ऑफ देयर मदर एंड फादर दे आर गोना सॉर्ट द रिडल्स एंड द टैगलाइंस वट एवर दे गेट. एंड देर आर लाइक डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइक वी हैव डांस ऑन द पेपर लाइक दैट. बट मैम, सर आप चाहते हैं कि ये बता दीजिए कौन सा ब्रांड नेम है ये? यस यस, इट्स लॉरियल. माय गॉड, लॉरियल, बिकॉज यू वर्थ इट. आई थिंक सर ने ऐश्वर्या राय की वो एड नहीं देखी होगी अब तक. लेकिन बहुत ज़्यादा सर खुश हैं और बच्चों के साथ बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर पेरेंट्स. और एडमिशन्स को लेकर अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो अंदर चलते हैं. सेंटर हेड हैं मैम मानसी, हम उनसे ज़्यादा बात करेंगे. एनुअल डे तो हर स्कूल में होता होगा, लेकिन जिस तरीके से बीनस्टॉक वर्ल्ड प्री स्कूल अपना एनुअल डे करता है या फिर अपना कॉन्वोकेशन डे, एक बड़ी ही अनोखी थीम आज रखी हुई थी, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी. मैम मानसी हैं सेंटर हेड. मैम, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था कॉन्वोकेशन. हमने तो अपने कॉलेज टाइम में सुना था यहाँ तो बच्चे छोटी छोटी सी क्लासेस में ही अपना डिप्लोमा लेने के लिए पहुंचे. As we have always been telling that we always believe in holistic development, so same here we have come up with the graduation ceremony that's called Diploma Day that we are celebrating today, and wherein we are very very proud of each and every child of our school who have been, you know, getting a certificate of the achievement that they have done throughout the year, complete grade with us, and we are very proud, the parents are very proud. We congratulate each and every child of my school who has been graduated, and we are very very happy. As you have seen the glimpses down, the parents are so excited, the parents are so happy. So it's a joyful day. It's a day, a mixture with, you know, new beginnings and endings as well. So we are very excited. Ma'am, for this. Beanstalk ki do badi branches hai. Ek jis branch mein main is waqt khadi hui hu, sector 32 aur ek model town. Halanki bahut sare parents jab is video ko dekhenge to wo bhi sochenge ki hum apne bachcho ka admission itne bade aur itne acche school mein karwaye. Lekin kai baar kya hota hai, seats limited hoti hain. To un tamam parents ke liye is saal kya koi nayi khushkhabri hai, kya koi nayi baat aap log lekar aaye hain?
Yes, there is a good news that I wanted to reveal right now. So the good news is that we are coming up with the Beanstalk Castle. So Beanstalk Castle, our new branch is on board from 15th of March onwards. The parents can go in Narsi Village Part 1, Sector 32, over there as well. So wow. This is a great news for all the parents. So we are extending. बार बार कह रहे थे limited seats हैं, लेकिन अब seats बढ़ चुके हैं क्योंकि अब एक नई branch open हो चुकी है. Yes, we are now open. So parents can, choose their, branch according to the location, their nearest location. So it's a good news for each of my parents who have been supporting us so well. And this is the demand of the parent that we need to fulfill anyways. Wow, ये parents के demand पर है कि एक नई branch Beanstalk Word Preschool करनाल में और open करने जा रहे हैं. मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें. पेरेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं. अगर आपके बच्चों को कभी कॉन्वोकेशन डे में जाने का मौका नहीं मिला, कभी डिप्लोमा हाथ में पकड़ने को नहीं मिला, कभी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि वो मेन स्टेज पर जा सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अपने बच्चों को बीनस्टॉक में भेजने की जरूरत है. मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें. आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव. धन्यवाद.